नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। कई बार एक छोटी सी गलती किसी की भी मौत का दुश्मन बन जाती है। खासकर देश में सबसे ज़्यादा मौतें सड़क हादसों के दौरान ही सामने आती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही, जो खुद के साथ ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि शॉर्टकट के चक्कर में बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी से मिलता जुलता कुछ मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहाँ यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। दरअसल मंगलवार को सुबह प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी बस जाकर बाणसागर नहर में गिर गई, जिसमें यात्रियों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 7 यात्रियों की जान को बचाया जा चुका है। इस दौरान बस में 54 यात्री मौजूद थे। वहीं हादसे को लेकर पुलिस ने बताया कि रामपुर के नेकिन इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे ये हादसा हुआ। बस सीधी से सतना जा रही थी। बस में 32 सवारियों की जगह थी, लेकिन इसमें 54 यात्री भर रखे थे। सीधी मार्ग पर छुनिया घाटी से होकर बस को सतना जाना था, लेकिन वहां जाम की वजह से ड्राइवर ने रूट ही बदल दिया और नहर के किनारे किनारे बस लेकर जाने लगा। नहर के किनारे का रास्ता काफ़ी संकरा था। इस दौरान ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस सीधी जाकर नहर में गिर गई। बता दें कि झांसी से रांची जाने वाला हाईवे सतना, रीवा, सीधी और संगरौली होते हुए जाता है। हाईवे की सड़क काफ़ी जगह से खराब है तो कई जगह से टूटी भी हुई है, जिसके कारण यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं घटना स्थल पर CDRF की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। बस को क्रेन से बाहर निकाला जा रहा है। गोताखोर भी वहाँ मौजूद है। नहर में पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम जलस्तर कम होने का इंतजार कर रही थी। आशंका है कि तेज बहाव के चलते लोग घटनास्थल से काफ़ी दूर बह गए होंगे। वहीं एहतियातन बाणसागर डैम से नहर का पानी को रोक दिया गया है। नहर के जलस्तर को कम करने के लिए इसके पानी को रोक दिया गया है और सिहावल नहर में भेजा जा रहा है। वहीं हादसे को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संवेदना जताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। घटना हृदय विदारक है, काफी पीड़ा है मन को। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, वहाँ सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, IG, कमिश्नर, कलेक्टर, SP सभी मौके पर हैं, सारी संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और पटेल साहब को, राम लखन सिंह जी को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया है। कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। जो कार्यक्रम था आज प्रधानमंत्री आवास का माननीय अमित शाह जी का, वो भी स्थगित कर दिया है। जैसे जैसे जानकारी और मिलती है हम अभी देते रहेंगे। पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। 7 लोग अभी अस्पताल में पहुंचे हैं जो तैर के निकले थे। तो देखा आपने, एक ड्राइवर की जल्दबाजी कितनों की जान की दुश्मन बन गई। इसलिए दुर्घटना से देर भली सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए हमेशा वाहन धीरे चलाएं और ध्यान से चलाएं। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।